मरका अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खरीयत है? ठीक हो? खुश हो? तकड़े हो? उम्मीद करने तो सारे ठीक हो सो। एक कलोनी आबाद है डाडे पलण दे नज़दीक, और इन्नी कलोनी दे विच तकरीबन काफ़ी ज़्यादा घर हैं। सामने तो नज़र आने पे सन तकरीबन कुछ 40 के करीब करीब घर है। इन 40 कने ये लोग 98% इन लोग वो हैं जरे कोहे सुलेमान कने हिजरत करके इत्था आए बैठे। इत्था आवन दा इन्हें दा मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें दा ये आई कि कोहे सुलेमान दे विच क्योंकि ना तालीम दा फुकदान है, बिजली भी कौन आई वाले उत्था, पानी भी कौन आई। अज कितना अलहमदुल्ला उत्था पानी भी हो सी, बिजली भी हो सी, क्योंकि सरदार उस्मान खान बुजदार दी मेहरबानियां हैं। मगर ये लोग आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को तब्दील करने वास्ते। चलो भाई, बच्चे पढ़ वे सन और अच्छी जिंदगी गुजर वे सी, मगर मंगलोठा शहर कने तकरीबन मेरे ख्याल मुताबिक कोई 800 कने 1000 गज दूर हो सन नवी आबादी कने, और इन्हें दे सहूलतें का फुकदान इतना है, ना पानी है, ना बिजली है, और ना कि इन्हें कोई निकासी का निज़ाम है। बिल्कुल नज़दीक इन्हें दे रोड है, और बिजली मेन पावर लाइन जरिए जरी तौसे कने कोट वेनी पी है, वो बिल्कुल इन कलोनी के दरमियान चो गुजरती पी है। ये तो सामने नज़र आनी पी है। ये लोग जेरी जात तो बिजली दे कनेक्शन लाई पे, वो तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 1000 गज दूर है। 1000 गज का अगर असा कोई अंदाज़ा लाऊं तो 20-25 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ इन्हें गरीबें की बिजली के उत्ते तार के उत्ते खर्चा आवेंगे, और तारा जमीन के बीच पैन थी हर वेले इन्हें टूट फूट होंगी है। मेडे तो हर वेले गरीब पलास चाता भी आते, और इन्हें दे बच्चे हर वेले शुरू होने। हर घर का बंदा इलेक्ट्रीशियन बनया हुआ क्योंकि मजबूरी है, और स्कूल भी बहुत दूर है इन्हें कने। मस्जिद चलो अलहमदुल्ला डाडे पलण शरीफ दी है नज़दीक है, और पानी चलो बोर मोरा हर कोई अपने घर गिंदे, इन्हें भी मसले का इन्हें कोई वो कोई नहीं, अपना गुजरान चलावे सन। बहरहाल वक्त दे बादशाहें कने, खासकर सरदार उस्मान खान बुजदार कने, ये इन्हें दी बेहतरीन कौम है, और अपनी जाती कौम इन्हें मेरे ख्याल है सब तो ज़्यादा इन्हें लोगों के उत्ते नज़रसानी की वजे, ताकि ये लोग अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकन, और इन्हें दा मकसद भी पूरा थी वजे कि असा चलो उच्छो हिजरत करके आया से, बच्चों को पढ़ावन वास्ते आया से, तो सारी पढ़ाई को सिला मिल गया। कोई इतना इशू को नहीं, बिजली बहरहाल जरूरी है इन्हें गरीबें वास्ते, क्योंकि इतना बिजली कोई नहीं, इन दौर दे विच भी बिजली कोई नहीं, और शहर दे विच भी रावण दे बावजूद। बहरहाल हुकूमत कने मेरी अपील है और पुरजोर अपील है कि इन उत्ते अगर एक ट्रांसफार्मर इन्हें को दिता वे छोटा, तो ये लोग तो दुआ करे सन बराए मेहरबानी। जेरे लोग इन वीडियो को दे पैन कोशिश कराए, साड़ी खातर नहीं, इन लोगों की खातर ज़्यादा कने ज़्यादा शेयर करो, ताकि वक्त हुक्मराने कने कने च गाल वंजे, शायद थी सकते थोड़ी वीडियो शेयर कराने नाल इन लोगों की भलाई थी वंजे। काफ़ी ज़्यादा घर हैं तो अगर क्योंकि मैं एक साइड कने खड़ा, अगर बिन्ने साइडें कने मैं वंजा जितने घर तो एडो नज़र आने पर इतने घर बैक साइड ते भी हैं। बहरहाल कोशिश करे सो ताकि इन लोगों की कोई भलाई थी सके। सब कने वड़ा प्रॉब्लम मेरी नज़र दे विच कोई इतना वड़ा इशू कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर इन्हें को जरूरी है, ट्रांसफार्मर इन्हें को दिता वे ताकि अपनी जिंदगी रोशनी गुजार सकन, और अपने बच्चों को तलीम भी दे सकन। अगर थी सके तो इन्हें वास्ते एक स्कूल भी मंजूर किया वे, ताकि इतना ही स्कूल भी बच्चों को अपने को पढ़ा सकन। अपनी जिंदगी तो उवें जिवें है ही गुजारी बैठन गरीब, लेकिन जिस मकसद वास्ते आन उन मकसद को ये पूरा कर सकन। ये ज़्यादा दूर कोई नहीं,
एक कलोनी वे सी डाडे पलण दे नज़दीक ही वे डाडे पलण दे नज़दीक मंगड़ोठे कने मशरक तरफ टच नवी आबादी कने कम अज़ कम 1000 मीटर 1100 मीटर दूर है या 800 मीटर दूर है। बहरहाल इन्हें बिजली की लाइन जारी आनी पी है वो तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल 1000 मीटर दूर आनी पी है। 1000 मीटर का अगर कूल का हिसाब तुसा करो तो 15 कने 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये की इन्हें करीबन तार लगी खड़ी है। थैंक यू।